पीएम मोदी पहुंचे स्टॉकहोम, स्वीडिश पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पे किया भव्य स्वागत। कर्नाटक विधानसभा 2018 टिकट न मिलने के कारण मीडिया के सामने रो पड़े बीजेपी नेता, वीडियो हुआ वायरल। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर फैसला सुनाने वाले जज रविंद्र रेड्डी ने दिया इस्तीफा। अहमदाबाद में लड़की से छेड़खानी मामले में दो गुटों में हिंसक झड़प। टाई ने सोमवार को एक वेबसाइट की शुरुआती संस्करण पेश किया, इसके द्वारा कस्टम अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के सेवा या शुल्क दरों की तुलना कर सकते हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बीजेपी नेता और महाराष्ट्र वित्त मंत्री सुधीर से मिलने से किया इनकार। आईपीएल में कल केकेआर ने दिल्ली डेयर डेविल्स को 71 रनों से हराया, 129 रन पे पूरी डेयर डेविल्स की टीम हुई आउट। कॉमनवेल्थ गेम्स में देश का नाम रोशन करने के बाद मैरी कॉम और मल्लिका बत्रा समेत सभी खिलाड़ी भारत वापस आ गए हैं, सभी खिलाड़ियों का देश में भव्य स्वागत हुआ।